पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर के बाद अब भारत में अंजू और नसरुल्लाह के प्रेम कहानी की काफी चर्चा हो रही है। अंजू अपने फेसबुक दोस्त नसरुल्लाह से निकाह करने के लिए अपने घर वालों को बताए बिना पाकिस्तान चली गई। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक दोनों का निकाह हो चुका है और अंजू ने इस्लाम धर्म अपनाकर अपनी नई पहचान बना ली है। अंजू का नया नाम अब फातिमा है। हालांकि अंजू और नसरुल्लाह अभी अपनी शादी से इनकार कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस अधिकारियों और मीडिया ने इसकी पुष्टि की है। अंजू और नसरुल्लाह की कई वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में अंजू नसरुल्लाह के हाथों में हाथ डालकर बेहद खुश नजर आ रही है। वहीं एक वीडियो में वह नसरुल्लाह और उसके कुछ दोस्तों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाती नजर आ रही है। अंजू के इन वीडियोस को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह वर्तमान में अपनी जिंदगी में बेहद खुश है, लेकिन पीछे हिंदुस्तान में उसका अतीत रो रहा है। अंजू के इस कदम से उसके पति अरविंद और उसके दो मासूम बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ा है और उसके पति का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चे नहीं चाहते कि उनकी माँ अब उनकी जिंदगी में वापस लौट कर आए। अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस भी बेटी के इस कदम से बेहद दुखी हैं और उन्होंने कहा कि एक बार वे ये जरूर जानना चाहते हैं कि उनकी बेटी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। इस बीच अंजू का पाकिस्तान से बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंजू उर्फ फातिमा ने भारत लौटने को लेकर एक बड़ी बात कही है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में अंजू ने कहा है कि वह वतन वापसी जरूर करेगी। अंजू के मुताबिक वो ऑफिस से 10 दिनों की छुट्टी लेकर पाकिस्तान आई है और 3 से 4 दिनों में भारत लौट आएगी। वहीं सीमा हैदर से की गई अपनी तुलना पर अंजू ने कहा है कि वो सीमा हैदर नहीं है और अपने वतन जरूर लौटेगी। अंजू के पाकिस्तानी वीजा की मियाद 20 अगस्त को खत्म हो रही है। आपको याद दिला दें कि सीमा हैदर वो है जो पाकिस्तानी नागरिक है, लेकिन हिंदुस्तानी युवक सचिन मीणा के प्यार में पड़कर अपना देश छोड़कर आई है। सीमा नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत पहुंची है और साथ में 4 बच्चों को भी लेकर आई है। सीमा और सचिन का दावा है कि उन्होंने नेपाल में शादी कर ली है। सीमा हर हाल में अब सचिन के साथ ही रहना चाहती है और उसका कहना है कि वो वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। सीमा के मुताबिक यदि वो वापस पाकिस्तान गई तो उसे मार दिया जाएगा। बहरहाल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में अंजू ने कहा है कि वो पेशावर के आगे पहाड़ी इलाके अपर दीर शहर में अपने दोस्त नसरुल्लाह के घर पर रह रही है और वहां बेहद सुरक्षित महसूस कर रही है। बताया जा रहा है कि इसी इंटरव्यू में अंजू ने कहा है कि अपने पति के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं और जब वो लौट कर आएगी तो वो उनके साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन अंजू के मुताबिक वो अपने बच्चों के साथ जरूर रहना चाहती है। हालांकि अंजू के पति अरविंद ने साफ तौर पर कहा है कि बच्चे अब अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहते और वे चाहते हैं कि उनकी माँ अब कभी लौट कर नहीं आए। वो झूठ पे झूठ बोल रही है, उसको खुशी मिल गई है, वहाँ वहीं रहे, यहाँ आने की क्या जरूरत है, यहाँ कोई है ही नहीं। उसका दो बच्चे भी नहीं है उसके, वहाँ बच्चा पैदा कर सकती है, कोई जरूरत नहीं है। वो कह रही थी कि मैं आऊंगी तो पति से नहीं मिलूंगी, मैं तो बच्चों के लिए आऊंगी। बच्चे भी नहीं मिलेंगे उसको, बच्चे मेरे खुद मना कर रहे कि शक्ल नहीं देखनी उसकी। धोखा दिया अंजू ने, धोखा ही दिया है। देखना होगा कि वतन वापसी की बात करने वाली अंजू कब भारत लौटती है और उनके परिवार में इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।